हूँ दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके, मुझे आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं इनको देने वाला हूँ विटामिन सी का कैप्सूल, और कैप्सूल कैसे दिया जाता है मैं आपको वो भी मैं बताऊँगा। और कैप्सूल देने का तरीका तो बहुत लोगों का अलग 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 है, और मैं कैसे देता हूँ आपको वो बताऊँगा। और आपके सामने रिजल्ट देख सकते हो, और मेरे पास 3 जोड़े से ही इतने बच्चे निकले हैं, सारे पट्टे हैं आधे से ज़्यादा। और बाकी कैप्सूल मैं कैसे देता हूँ मैं आपको वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ, और मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे सारे दाने हैं और फीड हैं। ये बड़े बजरी का है, इसमें सूरजमुखी और ये हैं, और कंगनी ये मिक्स है। ये फिंचो का है, ये बजरी का है, ये भी बजरी का है, दोनों एक साथ देता हूँ। ये कॉटेल का, इसमें मैं कैप्सूल नहीं डालूँगा। ये वाला जो बजरी है उनके ये दोनों दाने हैं, सही है। और कैप्सूल जो है ना, ये वाला है विटामिन सी का जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और बाकी जो मैं एक और यूज़ करता हूँ पानी के साथ देता हूँ, एक ये दवाई है, पाउडर है, पानी के साथ आप इसको दे सकते हो। उससे आपके बर्ड्स के फल जो हर चीज़ है ना, एकदम सेट रहता है। तो कैप्सूल मैं कैसे दूंगा, तो बहुत लोगों का तरीका जो होता है, बहुत लोग ना अलग अलग देते हैं। 1 किलो 2 किलो में एक कैप्सूल डालते हैं, 3 डालते हैं, ऐसे कुछ सीन है, सही है, जहाँ तक मैंने देखा है। और जो मैं कैसे देता हूँ, अब मेरे सामने आपके सामने मेरा परिंदों का रिज़ल्ट देख सकते हो आप। और मैं शुरू से जितने 3 जोड़े लाया था, 3 जोड़ों में से जब से मैं कैप्सूल दे रहा हूँ ना, और अभी तक मेरे पास कलर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे निकले, और सेट निकले हैं हर चीज़ से, ना कोई बीमारी ना कुछ, ना हर चीज़ से एक्टिव है, सही है। ये अभी फीड करवा रही है, सही है इसको। और ये फीड अभी तो बच्चों के, ये मादी जो है ना दोबारा अंडों पे आएगी, ये अंडों पे बैठेगी, दोबारा अंडे देने वाली है। अभी मैं इसको चेक किया था कि दोबारा अंडे देगी, ठीक है। तो आपको कैप्सूल मैं कैसे देता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ कैप्सूल मैं कैसे दे रहा हूँ। अच्छा, आप खाने की मकदार देख सकते हैं कितनी कितनी है, तो मैं अपने अंदाजे से देता हूँ। इसमें मैंने एक कैप्सूल खोला है, सही है, ये कैप्सूल मैंने खोल लिया, इसको मैं अपने हिसाब से मैं इसको डालूंगा। 2 कतले ऐसे इसमें डाल दिए, और थोड़ा सा इसमें डालूंगा, इतना इसमें डाल दिया, ठीक है, इतना इसमें डाल दिया, और इतना इसमें डाल दिया, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा डाल दो, सही है। और बाकी बहुत से देखो लोग होते हैं, ख़त्म हो गया, बहुत से लोग होते हैं उसमें भाई 2 किलो दाने में एक कैप्सूल डालते हैं, 1 किलो दाने में एक कैप्सूल डालते हैं। मैं जो हूँ ना, हफ्ते में या 15-10 दिन में तो ऐसे दाने के साथ मैं मिक्स करके देता हूँ। आप कैप्सूल मिक्स करके इसमें अच्छे से इसको आप हिला लो, अच्छे से आप सेट कर लो इसको। जब पूरे दानों में मिक्स हो जाए ना, आप इसको ना करते रहो, सही है। और उसके बाद सब दानों को आप ऐसे करना है, और आपको मैं इनको दे के दिखाऊँगा कैसे शौक से खाते हैं, फिर दाना एकदम पूरा आप खा लेंगे। और मेरे नज़र में जो है ना, 1 किलो 2 किलो दाने में एक कैप्सूल ना, तो मेरी नज़र में तो वो ज़्यादा नहीं मुझे वो लगता। और जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, मुझे समझो 8 महीने हो गए मैं अपने बजरी बर्ड्स को ऐसे ही कैप्सूल देता हूँ शुरू से, कि 1 किलो में कभी मैंने डाला नहीं। शुरू से जब मैं दाना देता हूँ तो ऐसे ही मिक्स करके देता हूँ, उसमें ये सही है। इसमें ये आपकी ब्रीडिंग अच्छी होगी, आपके हर चीज़ में हर चीज़ फास्ट होगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगा, ये मेरे कॉटेल का है, वो मैंने सिंगल पाला हुआ है एंड टाइम है, तो उसको मैं कैप्सूल मिक्स नहीं करूँगा, ठीक है। उसको मैं ये वाली दवाई पिलाता हूँ पानी के साथ। ये कैसे देते हैं ये भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं आप पहले इसको मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। बर्तन मैंने अभी धोने के लिए रखे हैं पानी के, वो अभी धुल जाए, जब तक मैं इसको मिक्स करके मैं आपको चेक करवाता हूँ, फिर मैं दिन मिलते हैं आपको पानी के टाइम। अभी ये मैं दे रहा हूँ अपने बजरी बर्ड्स को, सही है, चेक करें आप। ये देख सकते हैं आप, बर्ड्स देख सकते हैं सारे एक्टिव हैं, कोई इनमें बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब एक्टिव बर्ड्स हैं, और सब ये अभी शौक से सब खा जाएंगे। अच्छा, दाना मैंने सबको दे दिया, सब खा रहे हैं, ठीक है। और
ये जोड़ा भी खा रहा है, दोनों चीज़ें बजी रही है। इसको मैं कंगनी अलग देता हूँ, बाजरा में अलग देता हूँ, सही है मिक्स करके। नहीं, अभी जो मादी है ना वो बाजरा खा रही है और नर जो है वो कंगनी खा रहा है, ठीक है। और पानी का देखें, आपसे पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, बर्तन आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कोई काय कुछ भी नहीं है। अब ये कैसे देना है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये अंदर से कुछ ऐसा है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि कैसा है अंदर से। अच्छा, तो अंदर से ना ये पाउडर का है कुछ, एक बहुत सारा था, मैं इनको हफ्ते में 5 दिन में देता रहता हूँ, तो अभी इतना थोड़ा सा बचा। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं आपको देखें इतने बर्तन में आपको डालना है समझे इतना, ठीक है। सब बर्तनों में आपको डालना है और डाल के आपको हिलाना भी है, और ऐसे छोड़ेंगे तो जम जाएगा। इसमें मैं थोड़ा कम डालूँगा क्योंकि ये सिंगल तोता है मेरा, इन सबको डाल के हिलाना और एकदम गायब हो जाएगा। आप ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो ना सामने दिखेगा, ठीक है। अभी जम जाएगा, आप ऐसे छोड़ेंगे तो जम जाएगा। जगह ये मैं थोड़ी देर जो रहा है ये अंदर जम गया, तो आप इसको हिला हिला के ना अब इसको पूरे पानी में मिला दें अच्छे से। तो ये करके आपको तोतों को सुबह के टाइम जब आप खाना पानी चेंज करते हैं ना उस टाइम आप इनको दें, तो उस टाइम ये पानी भी पी जाते हैं और चीज़ कर जाते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से, पर जाड़ने के लिहाज से, बीमारी के खारिश इनको कुछ नहीं होगी, कोई इनको बीमारी। जब समझे मैं इनको विटामिन सी और ये चीज़ देता हूँ और कैल्शियम हो गया, ये चीज़ों पर मैं इनको तोतों को रखे हुए, अल्लाह का शुक्र है मुझे 8 से 9 महीने हो गए, कोई मुझे ऐसा कोई मुश्किल नहीं, मैं नहीं देख रहा कि कोई ऐसी मेरी बीमारी है तोतों में, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। चलो अब इनको देते हैं पानी और आज की वीडियो को देते हैं पानी। आज की वीडियो यहीं तक है, बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यार मुझसे गलती हो गई है, विटामिन सी नहीं है ये, विटामिन ई है। तो विटामिन सी मेरे मुँह पर चढ़ा हुआ था, तो विटामिन सी का मैंने वीडियो पर जिक्र कर दिया, ये है विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने बोला आपको एंड में बता देता हूँ, चलो ठीक है।